एक लड़की का खूबसूरत लगना कितना जरूरी है और उसका पार्लर जाना कितना जरूरी है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत रेगुलर पार्लर जाती हैं लेकिन उनके काम खत्म नहीं होते। ऐसी ये हैं तृप्ति, जिनका नंबर मिला है मुझे, ये पार्लर गई, अपने आप का मेकअप किया, कई चीजें करवाई, बाल ठीक करवाए, लेकिन एक चीज रह गई। वो क्या चीज है? कॉल करो। हेलो। हेलो, हाय हाय तृप्ति मैडम। हाँ जी, हु इज दिस? तृप्ति मैडम, मैं से बोल रहा हूँ। जी हाँ जी, बताइए। वो सलमान आपका करते हैं ना, सलमान कैरेटन किया था हाँ, जी, बहुत तो। हमेशा उन्हीं से करवाते हाँ हैं। जी, आर यू सेटिस्फाइड? जी, आई एम वेरी सैटिस्फाइड, इट्स वेरी गुड हेयर ड्रेस। नहीं, मैं यही मैं सोचता हूँ। मैंने सलमान से कहा भी था, मैंने कहा मैम आया करे तो थोड़ा ध्यान रखा कर। कॉफी वॉफी पूछी थी उसने? जी, वो हमेशा पूछते हैं, हमेशा। मैं 2 साल से आ रही हूँ उन्हीं से, सलमान से ही करवाती थी। हाँ, ने बीच में छुट्टी पे भी चला गया था तो मैंने तो स्पेशली कह रखा है भाई, अब हाँ, मैम आए तो सलमान को ही कह देना। अच्छा मैडम, अच्छा इस बार अच्छा बहुत अच्छा आप 1.5 महीना, मतलब आपने बीच में गैप ही दे दिया, क्या चक्कर है? जी, वो एक्चुअली मैं दिल्ली में नहीं थी ना, अच्छा तो अच्छा मैं अच्छा काम अच्छा के अच्छा सिलसिले अच्छा में थोड़ा बाहर गई थी, टाइम ही नहीं मिला। अभी जी, अभी आप कैरेटिन ठीक हो गया इस बार? इस बार का तो बहुत अच्छा हुआ, सलमान ने काफी अच्छा, मतलब हाँ, बाकी जो वो मैंने करवाया था उससे भी अच्छा कराया वो था। लास्ट टाइम सलमान था नहीं ना, तो किसी और ने कर दिया था, आप थोड़े से नाखुश थे। मैंने कहा चलो अगली बार तो हो जाएगा। तो अभी हाँ मेरी नहीं, इस सलमान से बार बात का हो तो रही बहुत थी अच्छा तो था। वो कह रहा था कि सर आप बात कर लो तृप्ति मैडम से, मेरे को तो बुरा लग रहा है। अरे क्यों, मैंने तो आते उसको बोला कि बहुत अच्छा किया, 200 रुपये भी दिए थे नहीं 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 उसको। नहीं पैसे को नहीं बोल रहा मैडम, आप हमेशा देते हो, पैसे को नहीं बोल रहा फिर वो। वो मैंने वो जब कैरेटिन कर रहा था ना, आप मेरी तरफ देख तो रहा था, मुझे ये लग रहा था कि भाई बता कुछ। तो कैरेटन करने में ना उसको, क्या आप हो गया? अदरवाइज मत हाँ लेना, मतलब नहीं मैं वही बता रहा हूँ। वो कह रहा था कि सर, कान में कहा उसने मेरे पास आके जब कॉफ़ी लेने आया था आपके लिए, कह रहा मैडम के जुएं हैं 5-6। मेरे हाँ जी, उसने खुद देखी हैं जब कैरेटन कर रहा था ना, इधर से बाल हटाए तो एक जुएं। मेरे हाँ जी, हाँ जी, मेरे कैसे हो सकते हैं? नहीं उसने खुद देखी हैं, 5-6 जुएं हैं आपके। अरे यार, तू ये पागल है क्या? सलमान उसने मारी क्यों नहीं? नहीं, वो मारने के अलग चार्जेस हैं ना मैम, हमारे यहाँ तो अरे हर चीज़ का मारने पैकेज के है। तो बता देता ना मुझे, अब क्या करूं मैं इनका इनको लेके? मारने बस थे ना तभी तभी। अच्छा चलो, एक बार बताओ, आदत थी क्या? नहीं, वो ही कह रहा था, ज़्यादा है फिर ये बढ़ जाती है ना ये। अरे यार, तो कितने मतलब चार्जेस क्या है उसके? तभी ले वो तो लेने चाहिए थे ना चार्जेस। पर जू का है, आप आ जाओ फिर किसी वक्त। अरे क्या बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? तभी करना था, अभी तो बढ़ गया होंगे, अब बताओ मैं क्या नहीं, करूं। मैं ये भी सोच रहा था, मैंने कहा ये तो हुई नहीं है मैडम के कभी जू। अरे यार, मैं आपको अभी बता रही थी ना कि ट्रिप पे गई थी मैं, संजना गई थी मेरे साथ, उसके वजह से हुआ होगा, रूम में ना मेरे साथ उसकी लगी थी एक होंगी। महीने आ से। जाओ आप मेरे सस्ते में, आ जाओ आप, ठीक है? मैं बोल देता हूँ सलमान से, मार देगा। हेलो। हाँ सर, जी, रोहित जी, हाँ जी, बोल रहे हैं, बताओ। रोहित जी स्मॉल से बोल रहा हूँ। आर यू रिमेम्बर, आप लास्ट वीक आए थे और आपने एक स्मॉल के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था जिसका प्राइज मनी 50,000 था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अरे रोहित जी, जी कैसे? बताइए। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बताइए क्या हुआ सोचा था बताओ। कभी? सोचा था? नहीं सर, मैंने कभी नहीं अरे सोचा सर, था। एक सेकंड एक सेकंड, मैं अपने मैनेजर को ही बता जी, दूं। अतुल सर, रोहित जी लाइन पे हैं, मम्मी जिन्होंने बोल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था जिसका 50,000 प्राइज मनी था। सर, फैमिली रहे कहाँ है? हो। फैमिली कहाँ है? अब देखिए खुशी में सिग्नल्स भी जा रहे हैं, फैमिली, अरे यार, आपकी फैमिली कहाँ है? बेटा जरा आगे से फैमिली सब आ रही है। अरे सर, घर में कौन कौन क्या बात है? है सर, मम्मी है, भाई है, बहन है, सारे सब बच्चे भी हैं। जल्दी जल्दी आगे आओ, सुनो सुनो सुनो, आगे अरे बताओ सर, बताओ। अरे सर, आज सारे घर में भी इत्तेफाक से हाँ जी सर, सारे हैं, सारे हैं, सर मुझे खांसी आ आगे सर, सारे आगे सर, आ आगे सर, बिल्कुल गए। बताइए। सर हाँ मुझे बताओ एक बात बताओ। जाननी है, एक हाँ बात जी, हाँ जाननी है, जी, बिल्कुल सही बताइए, बिल्कुल सही। जी सोचा था कभी? नहीं, और मैंने कभी सोचा, नहीं मैं सोचा सर हमारे यहाँ ये हो रहा था कि मैं फोन था करूंगा, सर। मैं करूंगा, मैंने कहा पर्सनली मैं करूंगा रोहित जी थैंक यू, का थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक फोन। यू।
सर सारे आ गए? हाँ सर सारे आ गए, सारे आ गए। आज घर पे है क्या? देखिए आज मेरे ख्याल से छुट्टी है ऑफिस में। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं सर कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है सही बताइए? क्या बताऊं सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बताओ बताओ तो कैसा लग रहा है सर? माय गॉड, ओ माय गॉड सर, हमने भी इमेजिन नहीं किया था, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आपका नाम नहीं आएगा। कैसा लग रहा है सर? आपका नाम तो है नहीं लकी ड्रॉ में, तो मैंने कहा मैं ही कॉल करके बता देता हूँ। सर होता है, आप चेक करें ना, लकी ड्रॉ है सर, लक पे जाता है, नहीं भी मिलता प्राइज मनी। लेकिन ये है कि सर कोई पैसा गया थोड़ी है आपका, वो तो आपने खाया था तो आपने कूपन भर दिया। तो भाई तेरे रात क्यों फड़वा रहे थे भाई, ये थोड़ी होता है यार। सर मैं तो खुश ही रहता हूँ सर हमेशा। वो तो ठीक है, लेकिन मतलब आप पता नहीं क्या नहीं, हो गया। सर मैं तो खुश ही रहता हूँ, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। और बताइए सर कैसे थोड़ी करते हैं, अब बताइए सर कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं आऊंगा तेरे झंडे दे दूंगा हेलो हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं ये अंकल यहाँ से बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक से। आपने वो उसका गीजर की कंप्लेंट करी थी ना, आपका गीजर नहीं चल रहा है? जी जी जी, मेरा नाम गायत्री है वैसे। अच्छा अच्छा, वो दीवा से बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कब से नहीं चल रहा है ये गीजर? ये हो गए 2 दिन भैया, कब आ रहे हो आप? अंकल आज तो मुश्किल हो जाएगा, मेरे को पता है कि आप थोड़ा सा मेरे को बताओगे एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है गीजर में? वो स्विच ऑन, मतलब वो लाइट तो जल रही लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा उसमें। तो आपने आपने दिखाया था भाई सब किसी को दिखाया था पहले? तो आपके पास ही आई थी मैं 2 दिन से, कोई भेजा ही नहीं आपने। वो तो प्रॉब्लम ही हो गई ना अंकल, हमारा छोटू भी चला गया था। तो 2 दिन हो गए, भेजो ना किसी को, आपका छोटू नहीं है कोई और तो होगा। लेकिन भाई साहब आप ये समझो ना कि सीजन चल रहा है, प्रॉब्लम तो हमें भी है ना, कई जगह से कंप्लेंट आ रही है। अरे भाई साहब क्या मतलब, तो सीजन क्या है मेरा खराब है आपसे लिए, आपने वारंटी में ठीक कराई, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं ये बात तो ठीक है अंकल आपकी। अच्छा तो भैया जी, भैया जी ये बताओगे आप कोई एक ही, आपके बाथरूम कितने हैं? अरे एक ही यार, 1 BHK। आप आए तो 5 बार आपकी कंपनी। नहीं नहीं मैं आपको नहीं कह रहा अंकल कि आप ऐसे। अब तो मुझे क्या नहीं कह रहे, मेरे से बात कर रहे हो ना आप, फिर किसको कह रहे हो आप? अच्छा अच्छा, नहीं मैं या एक तो सेकंड बात कर लो या तो किसी और से बात कर लो आप। क्या कर सकते हैं आज शाम में अंकल, हो आप घर पे? अरे हूँ घर, आप आ तो जाओ यार, 2 दिन से सर्दी आ गई ना, नहीं पा रही हूँ मैं। एक काम करो भैया जी आप। हेलो भाई साहब बताइए, आप ना गीजर दुकान पे भिजवा दो। दुकान पे निकाल के मैं खुद ले आऊं क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार आप, अब भेजो ना किसी और को। और क्या बोल रही हो? नहीं भाई साहब आप नाराज मत हो ना, मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप बहुत सुनो ना। क्या बोल रहे हो यार, नाराज कैसे ना हूँ, क्या करूँ मैं? और मेरे को आप ये बताओ भाई साहब, ये लीटर कितने लीटर का है आपका गीजर? अरे यार क्या करोगे तुम, जान के 20 लीटर का है। और बताओ क्या जानना है तुम्हें? नहीं वो अंकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20 लीटर में ना थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा ठीक करने में। क्या सर टाइम लगता है, तो 2 दिन तो दे तो, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? तो भाई साहब आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्ला क्योंकि काम ही हो रहा है, क्या तो ढंग से बात कर रहे हो आप। मैंने को एक भी बात मैंने गलत बोली भाई साहब? अभी तक आपको है किसने काम पे रखी है आपको, कुछ नहीं आता आपको? आप एक काम करो फिर अंकल, आके बात कर लो हमारे उनसे दुकानदार मालिक से। आप ऐसे चौड़े हो रहे हो, कोई होते है नहीं दुकान पे, आपसे आप ही मिल जाते हो बार बार। मैं एक बार बताऊं आप भाई साहब, अंकल आपका ना मूड ही इस वक्त मेरे को ठीक नहीं लग रहा। पहली बात तो मैडम होता है, मैम होता है, ये मैं सर सर अंकल अंकल भैया भैया क्या होता है? चल फोन रख, मुझे करवाना ही नहीं है।